हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू द स्टूडियो मेंबर्स आज हम ए बी कैपिटल को ट्रेड कर रहे हैं इस स्टॉक को हमने सेलेक्ट किस तरह से किया है किस तरह की पूरी एनालिसिस रही है इस एक एक चीज़ के ऊपर आज के दिन हम डिस्कशन करेंगे एंड जो सबसे बड़ा सवाल रहता है कि स्टॉक्स को हम सेलेक्ट करते कैसे हैं तरह तरह के मेथड से कंटिन्यूसली वीडियोज़ अगर मेरे वॉच कर रहे हो आप तो आपको समझ में आता होगा कि किस तरह से हम अपने जो स्टॉक्स हैं वो सेलेक्ट करते हैं कई बार हम स्कैनर से स्टॉक्स निकालते हैं कई बार फाइल से अपने स्टॉक्स निकालते हैं और दूसरा फिक्स्ड स्टॉक्स जितने भी रखे हमारे पास हम इसमें से अपने स्टॉक्स निकालते हैं स्कैनर्स का यूज़ कंटिन्यूसली करते हैं बट कम करते हैं ज़्यादातर आप देखोगे कि जो हमारे फिक्स्ड स्टॉक हैं अपने सिस्टम्स को अपने इन फिक्सड स्टॉक्स के ऊपर अप्लाई करने के बाद ही हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं बट आज जो हमने सिलेक्शन किया है ए बी कैपिटल का सो ए बी कैपिटल को जनरली जो आप देख रहे हो फटाफट स्टॉक स्क्रीनर से हमने ये स्टॉक निकाला अपना फटा फटाफट को ओपन करेंगे एंड यहाँ से कभी कभी ओपन करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो आप उसको जब रिफ्रेश करोगे तो वो ऑटोमेटिक सही हो जाता है जब कभी हमें लगता है कि रश ज़्यादा होता होगा तभी तो थोड़ा बहुत लैग करता है जैसे कि यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फोर यह है ना ए बी कैपिटल ए बी कैपिटल को यहाँ से हमने चूज़ किया वॉल्यूम्स के अच्छे खास इसके अंदर ब्रेकआउट हुए थे प्री मार्केट के सेशन में सो फाइव सेवेंटी परसेंट से ज़्यादा की वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट इसके अंदर हुए थे आज के सेशन में आप देखोगे तो ए बी कैपिटल को इस वजह से हमने सेलेक्ट किया था ट्रेड करने के लिए एंड अभी इसके अंदर ये ऑर्डर बुक है चलिए इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं यहाँ पर देखिए 4000 थाउजेंड क्वान्टज़ को हमने शॉर्ट किया हुआ है 164.55 पर और एक ऑर्डर देखिए एंजल वन का है एंजल वन ने कोशिश हम कर रहे थे कि एंजल वन के अंदर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करें बट नहीं हो पाया ऑर्डर रिजेक्ट हो गया तो इंट्राडे शायद इसके अंदर बैंड है या ऑफ है तो हम फिर सीधे अपने स्कैनर में गए और स्कैनर से हमने ए कैपिटल को चूज़ किया जो कि अपने पूरे सेटअप पर फिट बैठा तो यहाँ से हमने इसको ट्रेड कर लिया पोजिशन बुक ओपन करेंगे सो so, सिक्स के अराउंड का प्रॉफिट चल रहा है प्रॉफिट्स बढ़े थे मतलब एलेवन या टेन के कराउंडस के प्रॉफिट थे बट जो अपना टारगेट पॉइंट था वो बड़ा था अब जो हम इसके अंदर एज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर डे लो तक मार्केट आती तो यहाँ से हम निकल जाएंगे बिकॉज अब टाइम बचा नहीं है दो चालीस हो चुके हैं टू फोर्टी फाइव पर यह कैंडल कंप्लीट हो जाएगी पूरे तो अभी टू फोर्टी का टाइम हो रहा है टू फोर्टी फाइव पर यह कैंडल बन पन के अपनी कंप्लीट हो जाएगी टारगेट अब जो हम लेकर के चल रहे हैं वन सिक्सटी वन पॉइंट फोर फाइव बट इसके पहले के जो हमारे टारगेट थे ना ये बड़े टारगेट्स थे जैसे कि ये जो एक दो ये वाली कैंडल थी एग्जैक्ट वन सिक्सटी एटी वन सिक्सटी पॉइंट एटी फाइव पर ये हमारा टारगेट पॉइंट था तो अब तो हम इसको रिवाइज़ करेंगे एंड रिवाइज करके जो हम अपना टारगेट रखेंगे वन पर रखेंगे स्टॉप लॉस 165 स्टॉप लॉस भी हाँ 165.30 का स्टॉप लॉस है 164.60 पर हमने अपनी एंट्री ली है जो एग्जीक्यूशन हमारे हुए हैं और 161.45 पर हम निकलेंगे अगर हमें निकलने का मौका मिलता है यहाँ से तो सबसे पहला काम क्या करेंगे जो ये सेकंड काम होगा फर्स्ट तो स्टॉक हमने सेलेक्ट कहाँ से किया ये हमने आपको बता दिया है ना हमारे पास सी बी कैपिटल के अंदर वॉल्यूम्स के अच्छे खासे ब्रेकआउट हुए थे एनालाइज के स्टॉक हो यहाँ से हमने अपना स्टॉक सेलेक्ट कर लिया अभी इसमें कई सारे स्टॉक्स हैं जैसे कि ये सी कैटेगरी का स्टॉक है जनरली मना करते हैं कि एक कैटेगरी के स्टॉक को ही आप पकड़ो क्योंकि बी और सी इनको ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बिकॉज बहुत ज़्यादा हाई वोलेटाइल होते हैं और अगर मूवमेंट्स इन्होंने मॉर्निंग में बड़ी दिखा दी तो पूरे दिन मे भी चांस है कि साइडवे रह सकता है जिस वजह से हम सी और बी और सी को कहते हैं आप लोगों से अवॉइड करने के लिए बट हम जो चीज़ें हम क्लास में बताते हैं ना क्योंकि कोई भी स्टॉक हो उसको ट्रेड करने का अपना एक पैटर्न होता है अपने सिस्टम को किस तरह से अपने स्टॉक्स के ऊपर हम अप्लाई करके मनी और रिस्क को मैनेज करके ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इसके लिए जरूरी ये भी है कि जो भी स्टॉक हम ट्रेड करें वो एक अच्छा स्टॉक हो मूवमेंट अच्छी हो वॉल्यूम्स भी अच्छी आ रही हूँ तो इस वजह से हम आपको बोलते हैं कि एक एक कैटेगरी के स्टॉक्स को ट्रेड करो आप अगर आप बिगनिंग लेवल पर हो अदरवाइज जब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है आपको क्योंकि सी बी और सी कैटेगरी के स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस की डिमांड होती है चाहो तो आप कर सकते हो कुछ बहुत वो नहीं है जैसे आप ए को ट्रेड करोगे वैसे भी बी और सी को भी ट्रेड करोगे बट थोड़ा सा रिस्की होता है जिस वजह से अच्छा होगा कि आप इसको अवॉइड करो ए कैटेगरी के स्टॉक्स को उठाओ आगे बढ़ते हैं बिरला कैपिटल है स्टॉक सेलेक्ट हो गया अब देखिए हमें इसको ट्रेड करना था सबसे पहले हम शुरुआत ये करेंगे इसको ट्रेड करने अगर हमें करना है तो जनरली जो चीज़ हम आपको बोलते हैं कि हायर टाइम फ्रेम पर अपना एक लेवल हमें निकाल लेना होगा बिकॉज प्राइज इज़ किंग हम चाहे जो इंडिकेटर लगा लें चाहे जिस तरह से राउंड नंबर्स ले लें ले, हम गैन ले लें फिबोनाची ले लें कोई कुछ, कुछ भी आप लगा लो कोई टूल लगा लो कोई इंडिकेटर लगा लो कुछ भी लगा लो बट प्राइज़ प्राइज़ ही जीतेगा लास्ट में और प्राइज कभी गलत नहीं होता मान लीजिए ए बी कैपिटल को आज के दिन हमने शॉर्ट किया है बट ये भी हो सकता था कि शॉर्ट करने के बाद में ये हमारा स्टॉप लॉस लेकर के अपसाइड की तरफ चला जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट गलत है नहीं मार्केट सही है मार्केट हमेशा सही होगी तो प्राइस हमेशा सही होगा प्राइस ही किंग होता है इसका जो इतने दिन हो गए जितना भी हमारा अपना एक्सपीरियंस है हमने एक चीज़ ये सीख ली है कि जब हमारा स्टॉप लॉस जाए तो हम हम कभी ये नहीं कह सकते कि यार मार्केट ही गलत हो गई आज मार्केट गलत हो गई वो सेंस दूसरा बनेगा इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा मार्केट गलत हो गई का मतलब कि जो हम चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ इस वजह से मार्केट गलत होगी नहीं मार्केट हमेशा सही रहेगी प्राइस हमेशा परफेक्ट होगा वो उसको मूवमेंट जिस तरह का करना है वैसा ही करेगा हम लोग मार्केट में अगर हैं तो प्राइस प्राइस ही सब कुछ है हमारे लिए और वो हमेशा सही होता है हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी होती है हमें सेल करना है स्टॉप लॉस जाएगा तो बाई साइड में अपना स्टॉप लॉस हम लगा करके रखेंगे उसको छोड़ देंगे नहीं करेंगे अगर बाई करना तो बाई और सेल करना तो सेल हाँ स्टॉप लॉस जाएगा तो ब्लेम नहीं कर सकते कि मार्केट ही खराब हो गई मार्केट ही पूरी गलत हो अपने सिस्टम के ऊपर हम उंगली उठा सकते हैं कि ठीक है आज मेरा सिस्टम काम नहीं किया कल करेगा यहाँ पर दो तरह की चीज़ें आती हैं कि जब हम ये बात आपसे बोल रहे हैं कि मार्केट हमेशा सही होगी आप अपने सिस्टम के ऊपर सवाल उठा सकते हो तो उसका यह मतलब नहीं है कि दो दिन तीन दिन चार दिन पाँच दिन आपको स्टॉप लॉस गया तो आपने सिस्टम फटाक से चेंज कर दिया चेंज नहीं करना है आज मार्केट ने आपके सिस्टम को फॉलो नहीं किया इस चीज़ को एक्सपेक्ट करना एक्सेप्ट करना होगा समझ रहे हैं ना इस चीज़ को मानी कि ठीक मार्केट मेरे लिए सही नहीं थी लेकिन आप ये कह दीजिए कि मार्केट ही गलत तो ये सही चीज़ नहीं है मार्केट हमेशा सही होगी तो जो भी चीज़ हमने इतने दिनों में सीखी है एक ही नतीजे पर हम पहुंचते हैं आपके पास जो चीज़ हम रोज़ बोलते हैं हर बार बोलते हैं वही चीज़ आज कोई अलग बात हम नहीं कहेंगे कि आपके पास आपका एक प्री डिफाइंड एरिया होगा अब जैसे ए बी कैपिटल को ही हम चलिए लेकर के चलते हैं ए बी कैपिटल का ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है और पास्ट डाटा जब आप इसका देखोगे ना बहुत दूर का इसका एक सपोर्ट एरिया ये वाला टू का है तो ठीक है हम इतना वो नहीं लेकर के चलेंगे बट हाँ आप ये चीज़ देखो कि ये आपका एक स्विंग है ये स्विंग है मार्केट इस वाले स्विंग के नीचे ही कई सालों से ट्रेड कर रही है एक दो तीन ये मार्केट नीचे नीचे ही ट्रेड कर रही है बट अब क्या हो रहा है कि मार्केट गिर जाने के बाद में अगेन आपके लेवल के पास में आई है मतलब कि इस वाले लेवल के पास में तो बहुत पुराना इसका एरिया है जहाँ से आज इसने रिजेक्शंस लिए हैं अब देखिए होता क्या है मार्केट की साइकोलॉजी को समझिए जब हम लोग ये देखते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है अब हमारे एक रेजिस्टेंस से क्या होगा कि प्राइस ने ब्रेकआउट दिखा दिया यहाँ से इस तरह से इसने ब्रेकआउट दिखा दिया तो अब क्या होगा मार्केट तो ऊपर जाएगी ना थोड़ा सा ट्रैप को देखिए मतलब टेक्निकल एनालिसिस वो तो अलग है बिगनिंग लेवल पर जब हम लोग होते हैं शुरुआत करते हैं तो चलने के लिए सहारा लेना पड़ता है छड़ी से चल रहे हैं या फिर जब साइकिल वाइकल जब हम लोग सीखते हैं शुरुआत में तो क्या ना पीछे से कोई पकड़ता है साइकिल को कोई गिर ना जाए चोट ना लग जाए उस तरह से जब हम लोग मार्केट में एंटर करते हैं ना तो सीखने के लिए हम लोग मदद लेते हैं प्राइजेक्शन की स्मार्ट मनी की इंडिकेटर्स की कुछ अपने रूल्स की इनकी सबकी मदद लेते हैं ताकि मार्केट में चलना सीखें लेकिन एक लेवल पर आ जाने के बाद में आप इन आपके जो इंडिकेटर्स हैं ना आप इसको छोड़ देते हो एक्चुअली आप छोड़ते नहीं हो वो छूट जाते हैं ये अपना अनुभव हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ में वो सारी चीज़ें छूट जाती हैं कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि जिस सिस्टम को हम आपसे ट्रेड करने के लिए बार बार बोल रहे हैं जब हम खुद ट्रेड करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम वो सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि वो जो सिस्टम पब्लिक लेवल पर शेयर करते हैं ना वो सिस्टम आपको चलने में मदद करेंगे आपको सीखने में मदद करेंगे प्राइस को रीड करने में पढ़ने में समझने में मदद करेंगे और जब आप उसको ट्रेड करने लग जाओगे तो एक लेवल पर आ जाने के बाद मैं आप कोशिश करूंगी समझ में आने लगेगा आपको वो प्राइस का जो मूवमेंट है ना वो समझ आने लगेगा कि प्राइस अभी कर क्या सकता है ट्रेड आपको करना भी है या नहीं ये मार्केट देख करके समझ आप ये समझ जाओगे आपको उस पर कोई ट्रेंड लाइन नहीं डालनी पड़ेगी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं डालनी पड़ेगी किसी तरह का इंडिकेटर नहीं बस मार्केट चल चलिए आप देख करके समझ जाओगे मार्केट ने बहुत बड़ा गैप गैप अप दे दिया और उसने हाई ब्रेक कर दिया प्रॉबीबिलिटीज़ यही होती हैं कि फिर प्राइस आपका पूरे दिन नीचे नहीं गिरेगा अगर उसने गैपडाउन दिखाई दिया नाइन फिफ्टीन का लो ब्रेक कर दिया तो प्रोबेबिलिटीज आर वेरी हाई कि प्राइस की आज जो क्लोजिंग होगी वो नाइन फिफ्टीन के नीचे ही होगी ये देखते देखते हैं ये ऐसा नहीं कि दो या तीन दिन हमने मार्केट में काम किया समझ में आ गया अच्छा ऐसा होता है ओके ये नहीं ये देखते देखते चीज़ समझाएं अब ये चीज़ जब हम एनालाइज करें तो इसमें कोई टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं क्या नहीं ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है एक लेवल पर ये सारी चीज़ें छूट जाती हैं तो हम ये नहीं कह रहे कि आप इन सब सारी चीज़ों को छोड़ करके सीधे बिल्कुल ब्रॉड लेवल पर आकर के काम करना शुरू कर दो नहीं अभी हम लोग जिस लेवल पर हैं हमें ज़रूरत पड़ेगी हमें हमारे टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें इंडिकेटर्स को तो हम इतना प्रमोट नहीं करते हैं लेकिन फिर भी अगर आपको टूल्स नहीं आते तो आपको इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ेगी हालांकि वो लैगिंग है कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा कि अभी इंडिकेटर्स भी काम के नहीं है फिर आप कैंडल से कैंडल को मर्ज करोगे रीड करोगे उसका एक प्रोस्पेक्टिव अपना देखोगे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाओगे आप खुद का अपना एक नज़रिया डेवलप करोगे इसमें समय जाता है टाइम जाता है लॉस करोगे प्रॉफिट करोगे पूरे महीने लॉस होगा और लास्ट में देखोगे कि लास्ट पूरे महीने के लास्ट वीक में फोर्थ वीक में लॉस हो गया ये सारी चीज़ें फेजेस हैं ये निकलने आपको इन फेजेस से आगे निकलना होगा है ना तब जाकर के एक ऐसे पॉइंट पर आप पहुंचते हो कि आपको चीज़ें फिर समझ में आने लगती हैं कि कैसे मार्केट चल रही है क्या हो रहा है और ये दो चार पाँच महीने की ही बात नहीं है है ना अब देखिए आज का बिरला कैपिटल को देखो कि मार्केट एक ही इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है अब प्राइस क्या कर रहा है ना रिजेक्ट हो रहा है यहाँ से बार बार ही नीचे की दिशा में जा रहा है अब एक चीज़ देखिए मालूम है क्या इसमें हमेशा प्राइस जब आपका स्टॉप लॉस लेगा जब स्टॉप लॉस लेगा तभी इसके अंदर मूव आएगा अब ए बी कैपिटल ने क्या किया कि एक मूवमेंट दे दी अपसाइड की तरफ उसने रेजिस्टेंस तोड़ दिया अब रेजिस्टेंस तोड़ देने के बाद में क्या होगा लोग क्या सोचेंगे अरे यहाँ तो रेजिस्टेंस क्या है मतलब कि अब जो प्राइस है ये अपसाइड की तरफ जाए इस तरह से ऊपर निकल जाएगा लेकिन अभी ए बी कैपिटल ने क्या किया कि ब्रेकआउट इसने एक दिन पहले हम लोगों को दिखा दिया बट इसी जगह से प्राइस फिर नीचे गिरने लगा क्योंकि यहाँ पर लोगों ने बाई किया हुआ है ना अब जब तक उनका स्टॉप लॉस नहीं जाएगा चाहे आप इंटरडे से लो चाहे आपोजिशन से लो जब तक उनका स्टॉप लॉस नहीं जाएगा तब तक मूवमेंट्स कहाँ मिलेंगे अब ए बी कैपिटल देखिए स्ट्रक्चर्स बन कैसे रहे हैं अब ए बी कैपिटल है ए बी कैपिटल ने क्या किया अपना एक स्विंग तोड़ा कि जो प्रीवियस के स्विंग्स थे ना ये वाले ये वाले ये वाले ये, ये रेजिस्टेंस हैं अब प्राइस ने लास्ट सेशंस में, सेशंस में क्या किया है कि अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया अपसाइड की तरफ अब यहाँ पर कई लोग बाई करेंगे क्योंकि ह्यूज क्वांटिटी में इसके अंदर बाइंग्स होंगी तो फिर मूवमेंट्स आपको अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे आपने अक्सर देखा होगा कि जिस भी स्टॉक में जिस भी स्क्रिप्ट में ज़्यादा शोर होता है बहुत ज़्यादा जब लोग अपना कॉन्फिडेंस उसके ऊपर दिखाते हैं तो फिर वो अपोजिट परफॉर्म करती है इसके काफ़ी बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं आप पेटीएम को ले लो आप नायका को ले लो ये बहुत हाईलाइटेड एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं एल आई सी उसको हाँ एल आई सी हो गया जब लोग कहते हैं अरे एल आई सी का जो प्रीमियम है या एल आई सी को जो कस्टमर वो तो इंडिया के हर दूसरे घर में बने हुए हैं ये तो ऊपर ही जाएगा हमें पहले ही दिन से मालूम था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ऐसे कोई भविष्यवाणी नहीं है हम भी गलत हो सकते थे लेकिन जितना हमने सोचा ना वो चीज़ सही हुई क्योंकि शोर हुआ बहुत ज़्यादा जब शोर होता है ना फिर ऑपरेटर्स उस चीज़ का फायदा उठाते हैं और एक रिटेलर हमेशा ऑपरेटर को प्रॉफिट कराता है वो बेचारा इसी में लगा रहता है उसकी जिंदगी इसी में खत्म हो जाती है तो एज अ रिटेल ट्रेडर हमें देखना पड़ेगा सोचना पड़ेगा सोचना कि जब भी किसी स्टॉक में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है तो उसको जितना हो सके दूर रहो दूर रहो जब लोग कहें कि हंड्रेड परसेंट अपड की मूवमेंट दिखा सकता है गारंटीड है तो हाल उसका शीबा की तरह होता है फिर बिटकॉइन की तरह होता है फिर नायका की तरह उसका हाल होता है फिर पेटीएम बनेगा एल आई सी उसके एग्जाम्पल्स बने जितने भी पांच छह छे नाम लिए ना ये बहुत आपने सुने ही होंगे बाकी इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें अडानी के स्टॉक्स फिलहाल वो तो चलिए दूसरा बा, बा, सेशन ही दूसरा हो जाता है ना उनका जोनर दूसरा है तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस ब्रेक किया देखने वाले क्या देखेंगे कि यहाँ से रेजिस्टेंस हुआ ना अब ये अपसाइड की तरफ जाएगा बट ये टाइम होता है स्विंग्स फॉर्म करने का ए कैपिटल में यहाँ से स्विंग्स फॉर्म होंगे इस जगह से और जैसे ही प्राइस हमारा ये वाला स्विंग ब्रेक करेगा अप साइड की तरफ तब इसके अंदर आप देखोगे कि मूवमेंट्स होंगे ये चीज़ समझ में आई ना कि प्राइस का एक रेजिस्टेंस एरिया है अब ये रेजिस्टेंस कल के दिन ब्रेक हो गया लोग क्या कहेंगे कि यहाँ से इसको बाई करना होगा जैसे यहाँ से बाई हो जाएगा ये अप साइड की तरफ जाएगा वो तो सब देख रहे हैं ना बाई हो जाएगा बट प्राइस में क्या हो सकता है कि यहीं से स्विंग लगे और प्राइस हमारा नीचे की दिशा में गिरे प्राइस अपनी रेंज के अंदर आ जाए और जब वापस से अप साइड की तरफ जाएगा ना जब ये स्टॉप लॉस इस कैंडल को देखते हुए क्योंकि इसने ब्रेकआउट किया है कैंडल को देखते हुए यहाँ पर लोग बाइंग करेंगे बाइंग के जितने भी स्टॉप लॉसेस है वो यहाँ पर जाएंगे और फिर से जब प्राइस अपसाइड की तरफ जाएगा तो लिक्विडिटी के साथ में होने वाली मूवमेंट्स बड़ी मूवमेंट्स होती है इस चीज़ को देखते हुए हमने क्या किया ना कि ए बी कैपिटल ने प्रीवियस अपनी रेंजेस के ब्रेकआउट दिखाए जैसे कि ये वाले इसके बाद में आप देखोगे ये वाले ये कुछ ब्रेकआउट्स हैं इस ब्ले ग्रीन वाली कैंडल के थ्रू शो हुए अब देखिए वॉल्यूम्स कौन कर लेते हैं कितने दिन की वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट यहाँ पर हुए ये पूरा जितनी प्रोफाइल है सारी की सारी ब्रेकआउट हो गई है और आज भी कैपिटल में देखिए प्रीवियस सेशंस में मतलब इंट्रोडे सेशन स्टार्ट होने से पहले जो प्री मार्केट सेशन हुआ ना उसके अंदर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो गए कल भी वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए समझ गए अब इतनी ज्यादा वॉल्यूम्स के अगर ब्रेकआउट हुए तो फिर प्राइस को यहाँ से क्या करना चाहिए अगर इसको अपसाइड की तरफ जाना तो फिर ये ऊपर की तरफ चला जाए बट प्रीवियस डे के हाई से रिजेक्ट होकर के नीचे क्यों गिर रहा है ये सवाल बनता है ना कि अगर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट वन डे बिफोर हुए हैं आज के सेशन में भी हुए हैं प्री मार्केट सेशन में भी हुए हैं और अगर ये स्टॉक स्ट्रांग है तो ये ऊपर चला जाए ना ये कल के हाई से रिजेक्ट होकर के नीचे क्यों गिर रहा है आप एंट्री की कन्फर्मेशन लो और ट्रेड मार दो यही नियम होता है अब इसको और अच्छे से देखिए समझते हैं सारी रेंजेस को हम लोग एक काम करते हैं ना डिलीट कर देते हैं अब प्रीवियस स्विंग्स हमने चलिए ये वाले मार्क ये हमने स्विंग मार्क कर लिए अब मार्केट ने क्या किया है कि इस स्विंग को अप साइड की तरफ तोड़ दिया ब्रेक कर दिया अब देखिए कितना पुराना ये वाला स्विंग है ये देखिए ये वाले ये वाले ये वाले इन स्विंग को अपसाइड की तरफ ब्रेक किया, किया है विथ वॉल्यूम ब्रेक किया है अपसाइड की तरफ अगर जाना है मार्केट को वो चला जाए अब हम क्या करेंगे कल का हाई मार्क कर लेंगे इस जगह पे देखिए कुछ छोटी छोटी कैंडल्स वो हम आपको बताते हैं कि जैसे प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ जा रहा है और वॉल्यूम्स नीचे गिर रही हैं समझ गए ना अब अचानक से यहाँ पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो गए तो देखने वालों को ये लगेगा कि अब तक ये प्राइस जो आपसाइड की तरफ जा रहा था इसके अंदर वॉल्यूम्स नहीं आ रहे थे मतलब प्राइस हमारा नीचे गिर जाएगा बट जब ये डाउन मूव में भी आया तब भी इसके अंदर वॉल्यूम्स नीचे ही गिर रहे हैं और अचानक से एक स्पाइक आती है वॉल्यूम की और प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ टर्न हो जाता है और इस जगह से टर्न होने के बाद में फिर क्या होगा क्योंकि वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट आए हैं मेजोरिटी ये सोचेगी कि अब इसके दिन आ गए ये अपसाइड की तरफ भागेगा तो हो सकता है हम गलत हो सकते थे लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कल इतने दिन से जिस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम नहीं आई है अचानक से कल के सेशन में वॉल्यूम आ गई है तो ठीक है अगर इसको ऊपर की दिशा में जाना तो ये चला जाए क्योंकि आज भी वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए बट प्राइस ने एग्जैक्ट अपोजिट मूवमेंट यहाँ पर हम लोगों को शो किया अब कल का हाई हम लोगों ने मार्क कर लिया है अब देखिए वापस से प्राइस हमारी कल की रेंज के अंदर आ गया फाइव मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएंगे वॉल्यूम के साथ प्राइस ब्रेकआउट कर रहा है ऊपर की तरफ नाइन की ही ये कैंडल है फर्स्ट कैंडल और तुरंत मार्केट फिर 915 के नीचे आकर के ट्रेड करने लगा और जैसे ही प्राइस 915 की रेंज के नीचे आया यही अपने कन्फर्मेशन स्टार्ट हो गए थे क्योंकि प्राइस जो अपने हाइज हैं उसको डाउन साइड की तरफ शिफ्ट करता चला जा रहा था हमने वेट किया और इसके अंदर जो हमने अपने एग्जीक्यूशन किए हैं न वो ये ब्लैक वाली कैंडल थी इस रेंज के नीचे हमने अपने एग्जीक्यूशन किए थे और ये जो ग्रीन वाली आप कैंडल देख रहे हो ये आपकी ये जो ग्रीन वाली कैंडल है यहाँ पर हमने अपना स्टॉप पॉस लगाया ये वन सिक्स फाइव पॉइंट थ्री जीरो एक सेकेंड ज़रा चेक कर लेते हैं ऑर्डर बुक वन वन सिक्स फाइव पॉइंट थ्री ज़ीरो वन सिक्स फाइव पॉइंट थ्री ज़ीरो वन सिक्स फाइव हाँ वन सिक्स फाइव पॉइंट थ्री जीरो और एंट्री जो यहाँ पर अपनी हुई है नहीं बीस पैसे का फ़र्क है वन जीरो वन सिक्स फोर पॉइंट फाइव ये ये हमारा एंट्री का पॉइंट बना स्विंग्स है ना इस जगह पर अपनी एंट्री बनी थी तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल सेटअप था और टारगेट तो हमने आपको बताया ही कि आज का जो डेलो है यहीं पर हम लोग अपना टारगेट रख करके वेट कर रहे हैं तो अब अगर मार्केट यहाँ तक आते क्योंकि जो एक्चुअल टारगेट था प्राइस वहाँ पर नहीं गया वॉल्यूम्स नीचे नीचे गिरने लग गए और फिर प्राइस हमारा टर्न हो गया ऊपर की तरफ तो अब अगर ये डेलो तक आता तो हम निकलेंगे और नहीं तो फिर अगर ऊपर जा रहे हैं एंट्री पॉइंट तक भी जाता तो फिर जितना भी प्रॉफिट होगा लेकर के निकल जाएंगे कल के भी ट्रेड में करीब छः सात हज़ार रुपये हमको मिल पाते क्योंकि मार्केट पूरी साइड वे थी और आज भी देखिए बड़ा मूव दिखा दिया पूरे दिन तो साइड वे है एक दो तीन चार इन चार कैंडल्स ने जो मूव दिखाया है वही दिखाया है और मार्केट फिर से अब साइड की तरफ जा रही है फोर लीजिए अभी सिक्स पर थे भी फोर पर फोर पर आ गए तो ये ओवरऑल सेटअप है समझ में आए ना हम क्या एक चीज़ क्लियर करने की कोशिश एक लेवल तक प्रैक्टिस कर लेने के बाद में आपको ये मालूम पड़ जाता है कि हम चाहे जो इंडिकेटर लगा लें बट लास्ट में जो जीतेगा वो प्राइज़ ही होगा प्राइज़ इज़ किंग मार्केट के अंदर प्राइज़ भगवान ही भा, भा, भाव ही भगवान है इसके अलावा और कुछ नहीं बट जैसे जैसे आप प्राइस को पढ़ना शुरू कर देते हो जैसे प्राइस के ऊपर आपकी मास्टरी होती होती चली जाती जैसे जैसे आप प्राइस को और परफेक्ट रीडिंग के साथ में काम करना शुरू कर देती हूँ प्राइज़ के चीज़ें आपके फेवर में चलने लगती हैं फिर अभी हमने जो बताया कि आपको एक सहारे की एक मदद के रूप में ये जितने भी टूल्स हैं आपकी मदद करेंगे एक सहारे के रूप में आपकी मदद करेंगे लेकिन धीरे 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 ये जितने भी टूल्स हैं छूटते चले जाएंगे फिर फिर प्राइस को देखते ही समझ में आ जाएगा अब ए बी कैपिटल है इसके अलावा देखिए निफ्टी है निफ्टी के ये लेवल अभी ऐसा नहीं है कि ये आज का लो हमने माँ कर दिया ये लेवल्स अपने पहले के हैं जो प्राइस है ना ये अपना पहले के सपोर्ट्स हैं अब आप कहिए कि हमने इसको किसी कौन से इंडिकेटर से ड्रा किया है किससे हमने ड्रॉ किया है तो ये सब प्री डिफाइंड एरियाज़ हैं अपने मार्केट कहाँ तक कितना मूव कर सकती है क्या इसके अंदर के मूवमेंट्स बन सकती हैं बाकी इन तो सिस्टम्स का इन तो ड्राइंग्स का हम किस तरह से अपने स्टॉक्स में बेनिफिट ले सकते हैं ये सब धीरे 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 समझ में आएगी तो आप ओवरऑल देखोगे कि जितनी भी चीज़ें हमें आज तक समझ में आई हैं आप चाहो तो उसको नोट कर लो पहला भटको मत भटकाव की स्थिति सबसे ख़राब होती है क्योंकि इसके पहले आपने जितना भी पेशेंस के साथ में मेहनत की वो सारी मेहनत सारी मेहनत पर पानी चलाया इसलिए भटकाव बंद करो दूसरा ये बहुत काम की चीज़ हम बता रहे हैं आपको ऐसा नहीं है कि आज और कल में हमने सीखी जितना भी हमने आज तक काम किया ना उसका एक तरह से ये समझ सकते हो कि अभी तक हमारा ये एक्सपीरियंस है भटकाओ तो बहुत बहुत दूर रहो भटकाओ जिस भी एक चीज़ को पकड़ लो उसी पर प्रैक्टिस करते रहो बस सेगमेंट चेंज नहीं करना है सिस्टम चेंज नहीं करना है उसको पकड़े रहो कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करो रिस्क को और मनी इन दोनों को मैनेज करके काम करो अक्सर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या होता है जो न्यू ट्रेडर्स की साइकोलॉजी होती है कि रिस्क और मनी मैनेजमेंट उसको फॉलो करना आता है फॉलो करना भी चाहता है बट वो क्या करता है ना नेक्स्ट ट्रेड का वेट करता है कि नेक्स्ट ट्रेड में हम सारे रूल्स रेगुलेशन मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे बट जो रनिंग ट्रेड चल रहा है हम जिसकी प्लानिंग करें ना उसमें वो रिस्क और मनी को मैनेज नहीं करता है आने वाले ट्रेड्स में नहीं जो ट्रेड आप कर रहे हो ना उसी में आपको रिस्क और मनी को मैनेज करना होगा इस चीज का ध्यान रखो समझ में मतलब अभी जैसे हम बिरला कैपिटल को ट्रेड करें तो हम इसके अंदर अगर हमें ट्रेड करना है तो हम तो क्या करेंगे जल्दी 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 हमें मालूम है कि 164.80 में यहाँ पर एंट्री लेनी है बट प्राइस नीचे आ गया चलो ठीक एंट्री ले लेते हैं फिर मन में आएगा कि अगर हम यहाँ पर एंट्री लेंगे तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे क्या है? इस ग्रीन वाली कैंडल के ऊपर लगा देंगे ये यहाँ पर लगाएंगे कहाँ पर लगाएंगे यहाँ पर सिस्टम के अकॉर्डिंग तो हमें ठीक है इस जगह पर लगाना चाहिए क्योंकि स्विंग है ना ये ग्रीन वाली कैंडल पर हमने क्यों लगाया क्योंकि इस ग्रीन कैंडल के ऊपर मार्केट निकली नहीं है क्लोजिंग नहीं की है इसने ये एक एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाता है वो जो होता है ना पॉइंट ऑफ एक्शन पॉइंट ऑफ एक्शन बोलो या पी ओ आई बोल दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि ये स्विंग बना प्राइस ने इस रेंज के नीचे ब्रेकआउट नहीं दिए नीचे नीचे की दिशा में ब्रेकआउट नहीं इसने एक मदर कैंडल फॉर्म कर दी प्राइस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता रहा बट यहाँ से फिर ये नीचे गिर गया है ना तो इस ग्रीन वाली कैंडल का के हाई एक एक्सपेक्टेड एक एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया इस वजह से ही यहाँ पर हमने अपना स्टॉप लॉस रखा तो हमें यह मालूम है कि सिस्टम के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर आ रहा है लेकिन अच्छा यहाँ नहीं ये थोड़ा सा ज़्यादा पास में जगह यहाँ पर रख देते हैं और एंट्री हम लोग क्या करते हैं ना यहाँ पर ले लेते हैं अब देखिए हमारा एंट्री का जो क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग हम तीन हज़ार रुपये का रिस्क लेना चाहते हैं सिर्फ तीन हज़ार का लेकिन ये जो ट्रेड है इसके अकॉर्डिंग मेरा जो रिस्क हो जाता है वो हो जाता है चार या साढ़े चार हज़ार का अब हमने अपने मैनेजमेंट को यहीं पर बिगाड़ दिया खो दिया उसको लेकिन फिर भी चलो ठीक है इसमें ही तो गया अगले ट्रेड में हम काम कर लेंगे सही से एक्चुअली आप अगले ट्रेड में भी यही हरकत करोगे वन इस टू या वन लेकर के निकल जाओगे वही ट्रेड एग्जीक्यूट करो जो कि मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा आपके लिए इसके अलावा और कोई काम नहीं करना है ठीक है ना चलिए तो आई होप कि समझ में आया होगा ये सब कुछ जिस तरह से ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया कि एक, एक चीज़ हमने कोशिश की समझाने की टारगेट पॉइंट भी डेलो पर हमारे लगे हुए हैं एंड स्टॉप लॉस यहाँ पर यह स्विंग के पास में है ये अपना स्टॉप लॉस का एरिया बन रहा है और इन सपोर्ट्स के ब्रेकआउट के बाद में ये ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया ना ये वाले जो सपोर्ट्स बन रहे हैं, ओके okay, सो so अभी का क्या है चल रहा है फोर थाउजेंड टू हंड्रेड है चलिए हमें नहीं लग रहा कि आज को बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा वेट करेंगे ग्यारह हज़ार से चार पर आ गए तो देखते हैं कि कितना ही बुरा होगा अपने साथ बुरा का मतलब कितना ही कम प्रॉफिट होगा अभी इधर काफी दिन से ट्रेड वगैरह नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही थी तो उस उन्हीं में सब में उलझे हुए थे तो अभी भी जब काम करने जा रहे ना तो वो फोकस नहीं बन पा रहा है मतलब ये ये हमारी कमज़ोरी ही हुई लेकिन फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जब काम करें तो फिर काम करें उसके ऊपर है ना लेकिन धीरे दिरे धीरे इन सबको ठीक कर लेंगे अच्छा इसमें ये भी होता है कि हम लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को अपने प्रोफेशनल में ला करके जोड़ देते हैं फिर प्रोफेशनल चीज़ें भी अपनी ख़राब हो जाती हैं लेकिन एट लास्ट हैं तो सब ह्यूमन ही तो कितना भी हम लोग चाहें कि मशीन की तरह है, ये इतना डाटा डी में सेव कर लें इतना डाटा हम सी में सेव कर लें तो ऐसा तो होता नहीं है सब कुछ है दिमाग में ही लेकिन एज अ प्रोफेशनल हमें ये सारी चीज़ें अलग रखनी सीखनी चाहिए तो अभी हम कुछ उतने एक्सपीरियंस होल्डर तो नहीं है ना ही हमारे कुछ उतनी ज़्यादा एज है हम सीख ही हैं बस प्रयास कर रहे हैं संतुलित रहने का और संतुलित करने का सारी चीज़ों को तो आप समझ सकते हो कि बस प्रयास ही चल रहा है अपना लेकिन धीरे 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 करके सीख ही जाते हैं लास्ट में तो फिर आप सीख ही जाओगे सब कुछ तो होगा आगे चल कर के हो सकता है आपको ये भी फेस देखिए अपना देखना पड़े कि फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं और तरह तरह की चीज़ें हैं उन उनको भी देखना है और बाद में अपना काम भी करना है ट्रेड भी करना है तो मन नहीं लगेगा क्या ही ट्रेड करें या घर देखें या ट्रेड करें या नहीं घर की कोई प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम है तो उसमें अपने ट्रेड्स को किस तरह से हम लोग देखते हैं सारी चीज़ें एक स्टेप के बाद में आपको देखने को मिलेंगी या हो सके मतलब लास्ट में एक बार ऐसा भी हो सकता है कि आप इसी में प्रैक्टिस करो मार्केट ही आपको इतनी बुरी तरह से तोड़ दे उसी में आप डिप्रेस्ड हो जाओ फिर मार्केट के ऊपर प्रैक्टिस करने में आपका मन ना लगे मतलब कुछ भी हो सकता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी आपके लाइफ में हो जाए जिसकी वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ बिगड़ने लगे तो ऐसा फेज़ आता है सबकी लाइफ में आता है तो उसको संतुलित करना सीखना होगा हम लोगों को ईश्वर ना करे कि कभी इस रहे हो कोई फेज आप लोगों की लाइफ में आए हंसते खेलते आप लोग बढ़िया से ट्रेड करो काम करो और मस्ती में लाइफ कटे उम्मीद यही है और यही होना भी चाहिए लेकिन जो होना है वो हो कर के भी रहेगा तो उसके लिए भी तैयार रहना होगा एक स्टेप पर हम लोग एक स्टेज पर जा करके चलिए अभी कुछ दिन से मेरा तो यही हाल है तो हम भी उसको अपना बस संभालने की कोशिश ही कर रहे हैं एक्चुअली यहाँ से हम लोग एग्जिट करते हैं अपने टाइम होने वाला है तीन दस तीन पंद्रह तीन मिनट बचे हैं सवा तीन होने में अब एग्जिट करते हैं अब कुछ बहुत बड़ा कोई मूव होगा नहीं मेरे हिसाब से तो स्टॉप लॉस ऑर्डर को पहले कैंसिल करेंगे वन सिक्स थ्री पॉइंट सिक्सटी फाइव लीजिए फाइव फाइव पर मैंने ऑर्डर लगाया अपना वन सिक्स थ्री पॉइंट फाइव फाइव ऑर्डर्स निकल रहे हैं धीरे धीरे सारे निकल गए सारे ऑर्डर निकल गए सारे ऑर्डर निकल गए रिफ्रेश कर लेते हैं फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी सेवन रुपीज़ तो ये छोटा सा ही प्रॉफिट है वन इज टू थ्री थाउजेंड के अराउंड का रिस्क था अपना या जो भी है फोर थाउजेंड का प्रॉफिट है ऑर्डर बुक में चलेंगे फो वन सिक्स थ्री पॉइंट डबल फाइव पोजिशन ओके वन सिक्स थ्री देखिए <laughs> कोई बात नहीं चलता रहता है ये सब सो आई होप कि आज का वीडियो आपको काफ़ी समझ में होगा काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी सो so, वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग चाहो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो कोई भी स्टॉक्स वगैरह जो होते हैं तो वहाँ पर हम शेयर कर देते हैं तो आपको वो स्टॉक्स भी मिल जाएंगे समय समय पर ओके थैंक्स एंड वी विल बीट अगेन